आठवे की ट्रेन है अभी जब उसने अनाउंस किया। अपने मोबाइल निकाल लो। हाँ यहाँ पे लाइक इसी घर में शॉर्ट सर्किट हुआ यहाँ पे। मम्मी बहुत जल्दी लेके आ गई ना तू, 6:15 की ट्रेन तू मेरे को अभी लेके आ गई। हाँ डबली अपने कहाँ जाना था। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, इट्स मी साहिल जारानी, वेलकम टू टुडेज व्लॉग वीडियो। तो मैंने तुम्हारे को लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो उसमें मम्मी के साथ जा रहा हूँ मैं रायपुर, हमको कुछ पर्सनल काम है। तो अभी बज रहे सुबह के 5, ठीक है 5:30 बज रहे हैं और मेरी ट्रेन है 7:30 बजे। ट्रेन लेट हो गई है 1.5 आवर, आई डोंट नो व्हाई, पर जो भी है तुम्हारे सामने, ठीक है। तो अभी जाएंगे हम लोग और रात को मैं यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट डे सुबह के 5 बजे आने वाला हूँ। लाइक यहाँ पे पूरा एक दिन रहूँगा, कितना छूट हुआ तुम्हारे को दिखाऊंगा। ठीक है अभी टिकट है ना 8 बजे के हो गया है हमारा टाइमिंग, और अभी बहुत ज़्यादा लेट होने वाला था। मैंने कभी कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, मामा को भी भूख लग रही है। कितना प्यारा सनराइज लग रहा है यार सच्ची में, और ट्रेन हमारी हो गई है लेट। मम्मा ने बोली पानी और थोड़ा सा स्नैक्स लेके आया था खाने के लिए, तो मैंने ले लिया हूँ। और मेरे को चलना सच्ची में नहीं हो रहा, पता है कि लिटरली मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ पूरा। हमारी ट्रेन थी 6 बजे की, ठीक है 6 से 7 हुआ, अभी 7 से 8 बजे की हो, और अभी टाइम बज रहा है 7, अभी 1 घंटा और बैठना है अपने को यहाँ पे। मैं तो बोलता हूँ घर चलो यार, रहने दो, रायपुर नहीं जाते, फालतू का जा रहे, घर चलो सो जाएंगे इससे अच्छा। अभी 7:45 बज रहे हैं, अभी तो 7:45 बज रहे हैं, अपने को पूरा 1 घंटा बैठना है। मामा कैसा लग रहा है डोनट? अच्छा है, कितने बजे उठाई तूने मेरे को? 4:45 बजे उठाई है ना, बोली 15 मिनट में निकलते, अभी कितना टाइम होने वाला है? 8 बजे की ट्रेन है अभी जब उसने अनाउंस किया कि 8 बजे की ट्रेन है। हाँ जस्ट अभी अनाउंस किया उसने कि 8 बजे की ट्रेन है, देख लो सही में। और अभी उसने बोला कि 8 बजे की ट्रेन हो गई, मैंने वहां सुना तो अभी बोला अभी 8 बजे की ट्रेन हो गई। बैठो 8 बजे तक के एग्जैक्ट है ना, हमारी 8 बजे की ट्रेन आई है, देख रहे हो 8 बज रहे अभी, ठीक है। और हमारा नंबर है S9, अभी हम लोग है B2 पे, S9 तक के जाना है, इतना दूर मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा स्वीट चल स्वीट चल स्वीट चल। ट्रेन रुकेगी पर फिर भी अपन जाके सेटल हो जाए तो अच्छा लगता ना यार, है कि नहीं भाई साहब? तुम वेदर देख रहे हो कितना प्यारा चल रहा है भाई, वेदर सीरियसली है अच्छा है, धूप धूप नहीं है ना, अपने को सही में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ठंडा ठंडा लगेगा थोड़ा तो चिल्ड एकदम। मम्मी बहुत दूर से चल के आई, मम्मी थक गई। हाँ यही है, चढ़ जा इसमें, वहाँ पे चढ़ मामा, वहाँ पे चढ़, यहाँ से मत चढ़ा, जा वहाँ पे चढ़, अपने को 9:10 पे बैठना है ना, तो यहाँ पे देखना नंबरिंग लिखा हुआ है पूरा अच्छी से। आ जा इधर इधर इधर, हाँ यहाँ चढ़ यहाँ चढ़। ए मोटी बस आ गया अपना रायपुर, कितना देर बिठाया यार इसने, है ना? और जो बच्चे थे मम्मा जो बैठे हुए थे, देखो चिल्ला रहे थे, खेल रहे थे और चिल्ला चिल्ला के खेल रहे थे। अरे नहीं क्या हुआ, वो क्या कर रहे थे? पानी आया, बाढ़ आया, बाढ़ आया। अच्छा 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 अच्छा, वो गाड़ी आई, हाँ तो तूने चिल्ला दी। हाँ मैंने भी सुना, मैं भी उड़ गया था एक बार तो भैया, मैं तो सो गया था पूरा, मैं तो पूरा सो गया था। नहीं माने तो तू अपना देखा ही अपना जलवा है ना, एक शब्द नहीं बोला। तेरे सामने कौन बोल सकता है क्या, तेरे सामने वो शब्द से छोड़, यहाँ के नहीं बैठे वहाँ बैठ गए क्या पास, तेरे सामने कोई बोल पाता क्या ये बता मेरे को। हमारी नहीं चलती तो वो बच्चों क्या बोलेंगे साले छोटे छोटे बच्चे। मैं तो सो गया भैया, आया थोड़ी सी एपिसोड देखा, नींद पूरी हो गई मेरी, मैं पूरा रात नहीं सोया था। मैं कौन सा कोई विचार है, शर्म करो थोड़ा थोड़ा शर्म करो। उसके बाद 2 घंटे सोई, तो 2 घंटे सोई ना, मैं तो 1 घंटा भी नहीं सोया। फिर अभी सोया ना भैया, थैंक यू यार। चल मामा पहुंच गए अपन रायपुर फाइनली, बहुत लेट चलने के बाद ट्रेन अपन पहुंच गए रायपुर। चल अभी कहाँ जाना है अपने को, बाहर जाना है ना,
ऊपर करना, मिल जाएगा एक नंबर गेट खुद ही। भैया बहुत भीड़ है यहाँ पे तो, बहुत ज्यादा भीड़ है। मम्मा मेरे को जब से लेके पूछ रही, तेरे को कुछ छोड़ना गया, तेरे को कुछ खाना है क्या, बता दे। फिर मैंने बोला नहीं अभी तो नहीं होना, अभी अपन उसको जाके काम कर रहे हैं, उसके बाद जो हुआ लगेगा तो अपन पी लेंगे, नहीं तो होटल में जाके पराठा खाने की इच्छा हो रही है। मम्मी पराठा खाएंगे क्या? हाँ पराठा खाएंगे, पराठा खाएंगे। यहाँ का पता नहीं कैसे होगा, फिर भी अपन एडजस्ट कर लेंगे। क्या बोलते मम्मी, तेरे को गर्मी हो रही है क्या? पकड़ के बैठ गए तो भैया, गर्मी हो रही बहुत भैया उनको। मोबाइल क्या? मोबाइल निकाल लो, अपनी मोबाइल निकाल लो। हाँ यहाँ पे लाइट चली गई है, फिर ढूंढो किसके घर की। भैया फोन निकाल दो, पहले लग जाएंगे फोन के, बोलेंगे साला पहले खर्चे हो रहे और खर्चा हो जाएगा। इसी घर में शॉर्ट सर्किट हुआ यहाँ पे। अबे तू अंदर चले दियो नहीं, ओ मोटी बाहर आ, बाहर आ जा मोटी, बाहर आ जा मोटी, बाहर आ जा। पूरे आग लग गया है, पूरा आग लग गया है। देखो भैया सब लोग कैसे खड़े हैं यहाँ पे, पूरा लाइक जमा हो गए पूरे। एलेक्स घर जा। देखे ऐसे कुत्ता, देखो ऐसे थोड़ा पैनिक हो गया उसको देख के, ऐसे शॉर्ट सर्किट निकल रहे। क्या ही बताऊँ तुम्हारे को, सच्ची में भयंकर शॉर्ट सर्किट निकल रहे, भयंकर। मैं अगर आवाज भी आएंगे ना दिखा दूंगा। यहाँ की लाइट बंद कर दी हम लोगों ने, पूरी लाइट बंद कर दी। देखो कितने लोग आ गए, आग लग गया, आग लग गया। तो तुम लोगों ने देखा कैसे आग लगी हुई थी वहाँ पे, लाइक मीटर में है ना ओवरलोड की वजह से आग लग गई थी, जिसकी वजह से पूरी लाइट बंद है। आई डोंट नो कितनी देर हो गई है, आधा घंटे से ज्यादा हो गया है। तो ऐसे टाइम पे पता क्या करना चाहिए, ये तो तुमने आग देखी नहीं होगी, मैंने ब्लर कर दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब की वजह से। तो ऐसे टाइम पे पता क्या करना चाहिए, या तो रेती डालनी चाहिए सबसे पहले, तो मीटर अगर हो सकता है पॉसिबली तो बंद कर दो, फिर रेती डालना, पानी कभी नहीं डालना। पानी डालो तो भाई दिक्कत हो जाती बहुत ज़्यादा भयंकर। और जितने भी आजू बाजू में घर रहते हैं ना उनको बोल देना अपना मीटर बंद कर दो। तो हम लोगों ने मीटर बंद कर दिए, हैवी से हैवी जो भी लाइक फ्रिज रहता है उसको बंद कर दो, टीवी रहता है, वॉशिंग मशीन, एसी तो पहले बंद कर दो भाई, कूलर भी पहले बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दिया। अभी बैठे हैं, जब भी लाइट आएगी तो अपने को फ़ोन चार्ज करना है भाई, फ़ोन में चार्जिंग कुछ भी नहीं है। मेरे को ट्रेन में बैठ के अपनी सीरीज कंप्लीट करनी है, दहन कैसे भी हो जाए कर लेंगे। पर मेन दिक्कत पता है कहाँ है, अभी बज रहे 8, हमारी ट्रेन है 10:30 बजे की, मतलब जो कि ट्रेन मेरी 8 बजे की होने वाली थी ना, वो 2 घंटा आगे हो गई है, लेट हो गई है, तो 10:30 बजे की है। तो यही दिक्कतें हो रही है साला, कि सुबह की ट्रेन भी लेट हुई, आज की ट्रेन भी लेट है, और कल तो कोई ट्रेन ही नहीं है। अगर आज हम लोग कैसा था, हमने सोचा था कि एक दिन स्टे करते हैं रायपुर में, हमको बिलासपुर में कुछ काम है, ठीक है। तो कल की मैंने ट्रेन देखा कि सबकी सब कैंसिल, कोई ट्रेन ही नहीं कल के लिए, तो हम लोग आज जा रहे बिलासपुर, जा ही नहीं पा रहे। सोचो क्या गिर गए, तुम बिलीव नहीं करोगे। पता है कि मेरी बॉडी बोल रही कि तू सिर्फ शायद सो जा, थोड़ी देर के लिए सो जा, पर मैं सो नहीं सकता, मेरे को इतना पैरों में दर्द दे रहा है ना भाई गॉड। मैं इतनी बार तुमको बता चुका हूँ ये वाले ब्लॉग में, आई डोंट नो कितनी बार बोल दिया है, पर मेरे राइट वाला पैर है ना पूरा सूज गया है नीचे का, अभी लेफ्ट वाले में काप्स में भी दर्द देना चालू हो गया। और मैंने देखो यहाँ सो सकता हूँ, पर मैं अगर एक बार सोया तो उठूंगा नहीं, इसलिए मैं सो नहीं रहा हूँ। और मैं ट्राई कर रहा हूँ, 8:30 बज गए, ट्राई कर रहा हूँ होल्ड करने के लिए, 10 बजे चले जाएंगे स्टेशन पे, वहाँ पे चार्जिंग पे रख दूंगा फ़ोन, और वहीं पे प्लेटफॉर्म पे थोड़ी देर सो जाऊँगा, 15-20 मिनट ट्रेन आएगी, 15-20 मिनट बैठूंगा सारा सो जाऊंगा ऊपर जाकर। देखा लिटरली मेरे से इसके बाद शूट नहीं होने वाला जहाँ तक के, तो अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो शूट कर लेंगे, और क्या जैसे अभी मिला। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम लोग अपने लिए, मैं तो अपने लिए भैया नाश्ता लेके आ गया, मम्मी अपने लिए लेके आई तोश। मम्मी अभी जाके सो जाएगी ना एकदम भयंकर, तो फिर तू ये तोश कब खाएगी रात में? बोलेंगे ज्यादा, बोलने की जरूरत ही नहीं। चलो इसलिए मैं भी ब्लॉग खत्म करता हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ तक की वीडियो देख लिया है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलो भाई, पीस आउट।